राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रसिद्ध कृष्णधाम में सांवलिया सेठ मंदिर में भंडार की गिनती में अपूर्व खजाना हाथ लगा है। इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ भंडार से सोने चांदी और नकदी मिली है। चार राउंड की गिनती में मंदिर से 17,12,54,984 रुपए की नकदी मिली है। इसके अलावा 68 किलो चांदी और 1 किलो 850 ग्राम सोना भी भंडार से निकला है। इस सोने में 100-100 ग्राम के 15 सोने के बिस्किट भी शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में हर माह के 14 की तिथि पर भंडार खोलकर गिनती की जाती है। 5 जून को खोले गए भंडार में चार राउंड की गिनती में भंडार से 17,12,74,000 रुपए मिले हैं। इनमें ऑनलाइन और भेंट कक्षा से प्राप्त हुई 3,64,89,000 रुपए की रकम भी शामिल है। मंदिर प्रशासक और एडीएम राकेश कुमार, मंदिर मंडल अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर, एसडीएम विजयेश कुमार पांड्या समेत अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की मौजूदगी में की गई है। मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भंडार में की गई गिनती में 15 सोने के बिस्किट भी निकले हैं, जिनका वजन 100-100 ग्राम है। भंडार में कुल 1,705 ग्राम सोना निकला है। इसके अलावा भेंट कक्ष से कुल 144,510 मिलीग्राम सोना प्राप्त हुआ है। इसी तरह इस बार भंडार में रिकॉर्ड तोड़ चांदी भी प्राप्त हुई है। भंडार से प्राप्त चांदी का वजन 68 किलो 6 ग्राम 500 मिलीग्राम है। इनमें 17 किलो 550 ग्राम चांदी भंडार कक्ष से और 51 किलो 5 ग्राम 500 मिलीग्राम मंदिर के भेंट कक्ष से प्राप्त। गन्ना जो है दान पेटी से निकलने वाली राशि की हर माह लगभग होती है, और अब की बार जो दान पेटी से भक्तों ने जो दान किया है वो 13 करोड़+ है, और ऑनलाइन मनी ऑर्डर के माध्यम से ऑनलाइन अकाउंट में अलग अलग माध्यम से भी जो राशि प्राप्त हुई है 3 करोड़ के से ज़्यादा है। कुल मिला के 17 करोड़ के आसपास हमें दान राशि प्राप्त हुई है, और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इस राशि का हम सदुपयोग करें और जो भक्तों और श्रद्धालुओं की जो आस्था है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके यहाँ जो दर्शनों के दौरान या फिर यहाँ विजिट के दौरान किसी प्रकार की उनकी असुविधा नहीं हो, इस प्रकार की एक्टिविटीज हम यहाँ करते हैं, डेवलपमेंट कार्य करवाते हैं, और ताकि भक्तों की आस्था वो अधिक से अधिक यहाँ बढ़े, विश्वास उनका बढ़े। ये जो काउंटिंग में हमारा जो मंदिर का स्टाफ ही रहता है, जो यहाँ कार्यरत रहता है अलग अलग जगह, और उसमें अलग अलग सेक्शंस के जो लोग होते हैं उनको हम रोटेशन से लगाते रहते हैं, और ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरा प्रयास रहता है कि वहाँ वीडियोग्राफी जो है वीडियोग्राफर हैं उनको हम लगा के रखते हैं, और साथ ही सीसीटीवी कैमराज हैं उसका भी हम कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है सारी व्यवस्थाएं मॉनिटर करते हैं। होमगार्ड्स भी रहते हैं, और जो हमारे खुद का जो गार्ड्स हैं उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं, हमारे अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, तो पूरा ध्यान रखते हैं कि पूरे तरीके से पूरे ट्रांसपेरेंसी से गन्ना कार्रवाई संपन्न। हाँ, भक्तों की श्रद्धा है कि वो किसी भी रूप में दे जाते हैं। किसी ने लहसुन की खेती करी तो लहसुन चांदी का चढ़ा जाएगा, किसी ने बढ़िया व्हीकल का बिजनेस किया तो व्हीकल चांदी का, और अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकृति की जो चीजें हैं भक्तों के रूप में उन्हें प्राप्त होती है। खास और हाँ, मतलब आसपास के जो 16 गांव हैं मुख्य रूप से उनमें विकास किया जाता है, और मंडपिया है उसका केंद्र बिंदु है कि जब भक्त आते हैं तो जैसे मंडपिया आप ये भासोड़ा चौराहे से देखेंगे तो एक बड़ा रोड है, पिछले जो सीओ साहब थे उन्होंने जो चालू करवाया था, और काफी बड़ा वाइडनिंग है, चौड़ी है रोड, जिससे पैदल पाथ भी उसमें है कि लोग भक्त जो पैदल आते हैं तो उसमें आसानी से आ जाएंगे। कॉरिडोर का भी पिछले सीओ साहब ने प्रोजेक्ट लिया था, तो कॉरिडोर का काम भी विकास में है, और अंदर भी लाइटिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी काफी आकर्षक हैं। धर्मशालाएं हैं, उनका मरम्मत का काम भी अब हम नेक्स्ट फेज में करवाएंगे। एग्जिस्टिंग हमारे पास जो परिसंपत्ति है उनकी सुरक्षा भी हो, उनका अच्छे से हम सुरक्षा के साथ साथ मरम्मत भी करवाएं, वो भी है। नई धर्मशालाएं भी बनी है, एक नई किचन शाला बनी है जिसका संचालन हम अगले माह करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा प्रयास रहता है कि जो केंद्र बिंदु हमारा भक्त रहते हैं, श्रद्धालु रहते हैं, यहाँ से आए तो एक अच्छा फील लेके जाएं, और यहाँ बार बार आए उनका विश्वास और आस्था बढ़े।